हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे दोस्तों। तो आज क्लास ट्वेल्थ के फिफ्थ चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री में आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इस चैप्टर में अभी तक मैंने आपसे बात किया था अधिशोषण क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसकी टर्मोलॉजी क्या है, कितने प्रकार का अधिशोषण होता है और क्या उसका उपयोग है दोस्तों। तो मैंने कहा था पृष्ठ रसायन में तीन सेगमेंट्स हैं, एक अधिशोषण, उत्प्रेरण और इसके बाद आता है हमारा कोलाइडल अवस्था। तो अधिशोषण को हम लोगों ने फिनिश कर दिया है, तो अभी हम लोग आ गए हैं उत्प्रेरण। आखिर उत्प्रेरण क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है? चलिए दोस्तों, इसको समझने के लिए दो चीज़ें आपको समझना है, चोर और चोरी। चोर और चोरी तो आपको बात मालूम ही होगा, चोर और चोरी अगर आपको पता है तो उत्प्रेरण और उत्प्रेरक भी आप समझ जाओगे। अब कहोगे ये कैसे, चोर और चोरी से उत्प्रेरण और उत्प्रेरक कैसे समझेंगे? तो लेट्स सी, देखिए हुआ क्या। 1825 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे बर्जीलियस, इन्होंने कई रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ बाहरी पदार्थ की मौजूदगी से होने वाले प्रभाव का अध्ययन किया। तो बर्जीलियस साहब ने पाया कि कुछ ऐसे बाहरी पदार्थ हैं जो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के स्पीड को बढ़ा देते हैं। जैसे उन्होंने देखा कि पोटेशियम क्लोरेट उन्होंने लिया और इसको हीट किया तो इससे बनता है KCl प्लस ऑक्सीजन बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये चीज़ें आप उनको देखने के लिए मिली और ये लगभग पोटेशियम क्लोरेट का जो डिकम्पोजिशन हो रहा था, तो टूट रहा था, वो अप्रोक्सली 350 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा था और प्रक्रिया भी क्या थी, काफ़ी स्लो थी। धीमी गति से थी। लेकिन जब उन्होंने पोटेशियम क्लोरेट में MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड के कुछ मात्रा को मिला दिया तो ये प्रक्रिया 250 डिग्री सेल्सियस और काफ़ी तेजी से होने लगी। जैसे उन्होंने पोटेशियम क्लोरेट में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड मिला दिया तो रिएक्शन का रेट जो था वो फास्ट हो गया और वो कम ही टेम्परेचर पर होने लगा। तो दोस्तों ये कह सकते हैं हम लोग कि पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन मैग्नीशियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में स्पीड अप हो गया, बढ़ गया। और जबकि लास्ट में ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट साइड जैसे इधर था वैसे ही क्या रह गया, बाहर पड़ा का पड़ा रह गया, मतलब ये रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हुआ, केवल इसके प्रेजेंस मात्र से ही रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई और इवन ये रिएक्शन में कंज्यूम भी नहीं हुआ, रिएक्शन में भाग भी नहीं लिया। तो बर्जीलियस साहब ने ऐसा सोचा कि कुछ पदार्थों की उपस्थिति में ऐसा कुछ तो होता है कि रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है। पर समटाइम ओस्टवाल्ड एक साइंटिस्ट थे, ओस्टवाल्ड साहब ने क्या किया, उन्होंने देखा कि कभी कभी ऐसा ना हो कि इसका विपरीत हो जाता है। ऐसा ना हो तो दोस्तों क्या हो जाता है, इसका विपरीत हो जाता है कि अभिक्रिया की गति बढ़ने के बजाय घट जाती है। किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति के कारण अभिक्रिया की गति बढ़ने के बजाय घट जाती है। तो ओस्टवाल्ड की इस ऑब्जर्वेशन पे, इस कंक्लूजन और बर्जीलियस के एक्सपेरिमेंट को मिला के एक परिभाषा जनरेट की गई, परिभाषा बनाई गई कि वह बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा या घटा दे,
बढ़ा या घटा दे उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं, और इस पूरी घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। वंस अगेन आई रिपीट, वह बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर दे। अब दर को परिवर्तित का मतलब बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। वह बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर दे उसे उत्प्रेरक कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग उत्प्रेरण के नाम से जानते हैं। जैसे अब यहां से आप इसको समझिए, जैसे चोरी करने वाले व्यक्ति को चोर कहते हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चोरी कहते हैं। तो चोरी करता कौन है? चोर। और चोर क्या करता है? चोरी। यानी कैसा बात कर रहे हैं, सब इसी में घिला मिला के पागल कर रहे हैं। अरे भाई, चोरी करता कौन है? चोर। चोरी करता कौन है? चोर। चोर क्या करता है? चोरी। तो वही चीज़ यहाँ पर है, उत्प्रेरक के फंक्शन को ही क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। और उत्प्रेरक कैसे कहते हैं? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को चेंज कर दे, आइदर इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन और इट विल डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। सो वी कैन से दोज फॉर ए सब्सटेंस विच कैन चेंज और अल्टर द केमिकल रिएक्शन रेट इज कॉल्ड कैटलिस्ट, एंड द प्रोसेस ऑफ कैटलिस्ट इज नोन कैटलिसिस। आई होप आप उत्प्रेरक की परिभाषा को अच्छे से समझ पाए होंगे। एक परिभाषा लेते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं, घरेलू एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है? दो व्यक्ति हैं, एक हैं गजोधर और एक हैं शंकरा। नाम कुछ भी ले सकते हैं, ये नाम दोनों हमारे फेवरेट करेक्टर हैं तो अक्सर लेते रहते हैं। अब समझिए इन दोनों में क्या हो गया झगड़ा। क्या हो गया साहब? गजोधर और शंकरा में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। और उधर से क्या आ रहे हैं? गुप्ता जी आ रहे हैं। गजोधर और शंकरा में क्या हो गया? झगड़ा हो गया। और उधर से गुप्ता जी चले 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 आ रहे हैं। गुप्ता जी को झगड़ा करवाने में बड़ा मजा आता है। कह सकते हैं कि गुप्ता जी लुक्की लगाने का काम करते हैं। तो क्या करेंगे आगे गुप्ता जी क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा चढ़ा बढ़ा देंगे। तो जो पहले झगड़ा धीरे 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 हो रहा था, अभी झगड़ा क्या होने लगा? तेजी से होने लगा। क्यों? क्योंकि गुप्ता जी ने उत्प्रेरक का काम कर दिया। गुप्ता जी ने किसका काम कर दिया? उत्प्रेरक का काम कर दिया। और झगड़ा का स्पीड क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है, या आप समझो इधर से गजोधर और इधर से शंकरा से, इधर से व्यक्ति जा रहा था, ठीक है, रामलाल इधर से जा रहा था, इधर दोनों लोग में झगड़ा हो रहा था। तो रामलाल ने इसको और इसको क्या किया? समझाया कि झगड़ा अच्छी बात नहीं है, खराब बात है। क्यों आप लोग झगड़ रहे हैं? इस धरती पे इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है। क्यों आप लोग खेत के डांडे के लिए मड़े के लिए लड़ रहे हैं? ऐसा तो नहीं करना चाहिए। अच्छे से समझाया बुझाया तो जो झगड़ा पहले तेजी में हो रहा था वो झगड़ा धीरे धीरे हो गया और क्या हो गया? रुक गया, खत्म हो। तो यहाँ पे इसने क्या किया? इसने भी उत्प्रेरक का काम किया, लेकिन दूसरी दिशा में किया। तो यही मेरा कहने का आशय है कि किसी भी अभिक्रिया में कोई भी बाहरी पदार्थ जो कि उसमें यूज ना हो लेकिन अभिक्रिया के दर को बढ़ा या घटा दे उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि MnO2 यूज तो नहीं हुआ लेकिन अभिक्रिया के रेट को चेंज कर दिया,
तो वंश के कह सकते हैं कि वह बाहरी पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा या घटा सकता है और खुद रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग में नहीं आता है उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं। और इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इधर गया मेरा वो रिस्क करने वाले, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको लेकर चलता हूँ उत्प्रेरक के प्रकार। उत्प्रेरक के प्रकार, उत्प्रेरक के प्रकार दोस्तों, उत्प्रेरक के प्रकार की बात करें तो उत्प्रेरक को पहले बात तो दो कैटेगरी में ऐसा डिवाइड किया गया है। दो कौन कौन से दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया दोस्तों? तो यहाँ से देखिए, पहली कैटेगरी है इसकी भौतिक अवस्था क्या है, तो कह सकते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर। दूसरी कैटेगरी है दोस्तों क्रिया विधि के आधार पर। दोस्तों उत्प्रेरक को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो भौतिक अवस्था के आधार पे और दूसरा क्रिया विधि के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पे उत्प्रेरक को दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं समांगी उत्प्रेरक और दूसरों को बोलते हैं विसमांगी उत्प्रेरक। क्रियाविधि के आधार पर बात करें दोस्तों, तो क्रियाविधि के आधार पर उत्प्रेरक को कुल चार प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक है आपका धनात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक आ गया तो दूसरा क्या होगा? ऋणात्मक उत्प्रेरक। उसके बाद है स्वर उत्प्रेरक और इसके बाद है प्रेरित उत्प्रेरक। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात किया कि उत्प्रेरक क्या होता है, अब बात कर रहे हैं उत्प्रेरक कितने प्रकार का होता है। उत्प्रेरक के प्रकार की बात करें तो उत्प्रेरक को दो बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा है क्रियाविधि के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर दोस्तों हमने बात किया आपसे कि समांगी उत्प्रेरक और विसमांगी उत्प्रेरक। तो अगर समांगी उत्प्रेरक की बात किया जाए तो कह सकते हैं जब उत्प्रेरक और अभिकारक एक ही प्रवस्था में हो, एक ही अवस्था में हो, अगर उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों क्या है, लिक्विड लिक्विड है, सॉलिड सॉलिड है, गैस गैस है, तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? समांगी उत्प्रेरक बोलते हैं। मतलब समान प्रवस्था में अगर हमारा अभिकारक भी है और उत्प्रेरक भी है तो उसमें क्या कहेंगे? समांगी उत्प्रेरक कहेंगे। इट्स वेरी इजी दोस्तों। तो क्या कह सकते हैं, जब उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों एक ही प्रवस्था में हो तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहेंगे, और जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों अलग अलग प्रवस्था में हो उसे हम विसमांगी उत्प्रेरक कहेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पाएगा आपको, तो आप इसे चाहो तो नोट भी कर सकते हो कि जब अभिकारक और उत्प्रेरक एक ही प्रवस्था में हो तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं, जब अभिकारक और उत्प्रेरक अलग अलग प्रवस्था में हो तो उसे हम विसमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो जैसे हमारे पास ये है हमारा सुक्रोज है, इसकी अभी जब इसको जल में डालते हैं तो पूरा का पूरा क्या बन जाता है? लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है। और यहाँ पे हमारे पास डाइल्यूट, मान सकते हैं डाइल्यूट क्या है? H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 क्या है? लिक्विड है। और इस H2SO4 के कारण से ये दो पार्ट में विघटन होता है, C6H12O6 + C6H12O6। ठीक है, तो ये भी क्या था? लिक्विड। और ये भी क्या है? लिक्विड। तो दोनों एक ही प्रवस्था में और दोनों एक ही प्रवस्था में है तो इसके कारण से क्या होंगे? ये जो होगा वो आपका समांगी उत्प्रेरक कहलाएगा। इस तरीके से
SO2 प्लस O2 मिलके क्या बनाते हैं, SO3 बनाते हैं। SO2 और O2 मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों, SO3 बनाते हैं। और यहाँ पर भी जो उत्प्रेरक काम करता है वो NO, तो NO क्या है, गैस है क्या दोस्तों, गैस है। यहाँ भी आपको गैस मिलेगा और यहाँ भी आपको गैस मिलेगा, मतलब जब अभिकारक और उत्प्रेरक एक ही प्रवस्था में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समांगी उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। जब अलग अलग प्रवस्था में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, विसमांगी उत्प्रेरक कहेंगे। जैसे देखिएगा दोस्तों, आपने तो ये रिएक्शन पढ़ा ही है काफी दिनों से, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। यहाँ पे जो उत्प्रेरक काम करता है वो आयरन, तो आयरन तो क्या होता है दोस्तों, सॉलिड होता है, और ये क्या है, गैस, और ये क्या है, गैस है। तो अभिकारक और उत्प्रेरक की प्रवस्था क्या है, समान नहीं है, और समान नहीं है तो ऐसा ये उत्प्रेरक क्या है, विसमांगी उत्प्रेरक है। ये उत्प्रेरक क्या है, विसमांगी उत्प्रेरक है। इसी तरीके से H2O2 हमारे पास है, यहाँ पे प्लैटिनम उत्प्रेरक आ जाता है सॉलिड, और ये क्या है, गैस। तो ये बनता है H2+O2। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो है आपका ये लिक्विड होता है दोस्तों, ये लिक्विड है और ये क्या है, आपका सॉलिड है। तो इस स्थिति में जो आपको विखंडित होकर बनता है, एक तो ये बनता है, दूसरा क्या होता है कि आपको यहाँ से देखने को मिलेगा H2O+O2। ये आपका गैस है, ये आपका लिक्विड है, ये आपका लिक्विड है, लेकिन ये आपका सॉलिड है। इन दोनों में आप कंपेरिजन करेंगे तो आप देखेंगे अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों अलग अलग प्रवस्था में है। यहाँ पर भी अभिकारक और उत्प्रेरक अलग अलग प्रवस्था में है, यहाँ पे अभिकारक और उत्प्रेरक समान है, यहाँ पे अभिकारक और उत्प्रेरक क्या है, समान है। तो कह सकते हैं जब अभिकारक और उत्प्रेरक क्या हो, समान प्रवस्था में हो तो उसे समांगी उत्प्रेरक कहते हैं, और जब अभिकारक और उत्प्रेरक अलग अलग प्रवस्था में हो तो उसे हम विसमांगी उत्प्रेरक कहते हैं। तो दोस्तों क्लियर होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं।